नमस्कार, आप आभारंजन स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैनिक सेवा बुलेटिन। मैं रंजन सिंह, आज मुजफ्फरनगर नगर पालिका में हूँ। यहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या बात है। जी सर, स्वागत है आपका। मानते आज टाउन हॉल पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, किस तरह का प्रोग्राम? भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख से 15 तारीख तक लगातार घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और अनेकों उसके कार्यक्रम आज भी पिछले 3 दिन से लगातार महापुरुषों की, संतों की प्रतिमाओं पर स्वच्छता चलाकर उनको माल्यार्पण कर इस प्रकार के कार्यक्रम इस अभियान के तहत चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। कल बीरापुर निकाली गई, आज पुरकाजी भी, आज यहाँ मुजफ्फरनगर, ये सदर विधानसभा की यहाँ बाइक रैली निकाली जाएगी। ये देश को समर्पित प्रथम राष्ट्र है, प्रत्येक घर में झंडा लगे, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे आह्वान को लेकर भारतीय तिरंगा। लेकिन उद्देश्य क्या है तिरंगा यात्रा का? राष्ट्र प्रेम जमाना है देश के प्रति। अब 26 जनवरी, 15 अगस्त लोग राष्ट्रीय पर्व है अपने, और देश के बहुत सारे लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी लगातार प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर देश को समर्पित अपने युवाओं को, आने वाली नई पीढ़ी को, इस देश के प्रति उनमें भावना जगे, जागृति हो सब लोगों को। भारत माता की जय। सर आपका अहम परिचय? संजय गर्ग, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तिरंगा यात्रा के बारे में कुछ बताया जरा, लोग वहाँ के इकट्ठा हुए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख से 15 तारीख तक स्वतंत्रता, भारत की आजादी के 75 वर्ष अमृत काल के उपलक्ष में आयोजन कर रही है, जिसके अंतर्गत आज सदर विधानसभा के कार्यकर्ता, नगरवासी पूरे नगर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर अपनी अपनी बाइकों से भारत माता की जय घोष के साथ निकलेंगे, वंदे मातरम की जय घोष के साथ निकलेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा तिरंगा यात्रा है, देश में हमारे वीरों ने अपना जीवन को बलिदान करा है देश की आजादी के लिए, उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा है। मोदी जी के आह्वान पर हर हर घर तिरंगा यात्रा है। मेरे साथ बहुत पुराने कार्यकर्ता सिब्बू भाई भी जुड़ गए, मैं जानता हूँ उनका नाम सिब्बू है। जी सिब्बू भाई, ऐसा है, हमारे देश में जो शहीद हुए उनकी याद में मोदी जी ने तिरंगा यात्रा के लिए हर पूरे भारत जो है आह्वान किया है, घर घर में जो है झंडा लहराए और तिरंगा यात्रा निकले। सर आपका पीछे? मेरा नाम जगदीश पांचाल, पिछड़ा आयोग का सदस्य हूं, और आज ये जो कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम रहेगा और पूरे जिले में क्या पूरे देश में चल रहा, और बहुत दिनों बाद देश का जज्बा देखने को मिला है। बहुत पुरानी बात है, जब हम छोटे छोटे थे इस तरह की रैलियां, इस तरह के कार्यक्रम तब होते थे, और अब मोदी जी के आने के बाद 10 वर्षों में 2014 से अब देश के लिए हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है, हर व्यक्ति के अंदर जज्बा है, और ये जज्बा हमेशा कायम रहे। और मैं अपने शहीदों को भी आज के दिन नमन करता हूं और अपने भारतवर्ष के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि अपने देश को राष्ट्रीय, इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमेशा मनाते रहे, यही हमारी आस्था है और ये हमारा काम है। सर एक सवाल है, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वहां पर आंदोलन हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार देखो, वहाँ कुछ समस्याएं आई और जो वहाँ का तख्ता पलट हुआ उसके बाद कुछ दिक्कतें आई हैं, बाकी हमारे प्रधानमंत्री उस मामले में गंभीर है,
और हमें भी इस बात का आक्रोश है कि हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ और उसकी रोकथाम लगभग तय ही है क्योंकि दूसरी सरकार वहां बनेगी। और हमने बहुत, हमारे संगठनों ने, समाज ने बहुत विरोध किया, गलत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री इसकी चिंता करते हुए इस काम को सुचारू रूप से अब जा वहाँ ठीक ठाक माहौल होने जा रहा है। तिरंगा यात्रा आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले में, सभी कस्बों में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा पहुंचे, हर घर तिरंगा लगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और आज की तारीख में कोई घर बचा होगा जहां तिरंगा नहीं लग रहा है, तिरंगा हर घर पर लगेगा। और हर, आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर किस प्रकार से, 15 अगस्त तक भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से लोग बाग किस तरह उत्साह के साथ में, युवा मोर्चा क्या अलग, व्यापारी मोर्चा क्या अलग, क्या किसान मोर्चा, सभी संगठन अपने उससे जो है अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस प्रकार से आप अभी बांग्लादेश के बारे में बात कह रहे थे, बांग्लादेश का हिंदू वहां पे इकट्ठा हुआ है, अभी इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होने के बावजूद में वहां की सरकार जो बनी है उसने माफी मांगी है, माफी मांगने के बावजूद जो है वहां के सरकार ने जो उनकी मांगे थी वो पूरी की पूरी मांगे उन्होंने अपनी स्वीकार की है, क्योंकि रक्षा भी दी जाएगी, मंदिर दोबारा बनाए जाएंगे सब तरह की वहां पर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी इस पे चिंतन करके बैठक कर रहे हैं और उस चिंतन के विषय में ही आपको लगा होगा उन्होंने माफी मांगी। और इस कड़ी में कच्ची सड़क के केवलपुर के मेंबर मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं कि तिरंगा यात्रा पर क्या उद्देश्य है, तिरंगा यात्रा का है क्या, इनका कहना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में तिरंगा यात्रा के माध्यम से 11 तारीख से लेकर, बल्कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 9 अगस्त को काकोरी कांड के जो शहीद हुए थे उनकी याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसके बाद सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा इस उद्देश्य से निकाली जा रही है कि भारत के जो नवयुवक हैं वो इसे सीख लेके यात्रा का क्या महत्व है। इसी क्रम में 14 तारीख को विभाजन विभीषिका है, जो हमारे शरणार्थी पाकिस्तान से हमारी लाखों हिंदुओं का कत्लेआम उस टाइम पे पाकिस्तान ने किया था, उसकी याद में 14 अगस्त का कार्यक्रम गांधी वाटिका में यहाँ है। सर, इसी तरह का अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कि क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदू अब उस तरह का हिंदू नहीं रहा है, हिंदू में भी अपने आत्मरक्षा की भावना पैदा होने लगी है। और देखा होगा आपने अभी कल या परसों भी हमारे वहाँ हिंदू एकजुट होकर नारे लगाते हुए बांग्लादेश की सड़कों पे आए हैं, तो हिंदू भी कमजोर नहीं है। ये थे तिरंगा यात्रा के यात्री, और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम है और सबको सजग करने की मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद।